सुनो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? देखो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मकसद है कि इंडिया में सब धर्मों के पर्सनल लॉज को एक जैसा बनाया जाए। सोचो जरा, शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, सबके लिए एक जैसे नियम हो, फिर चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 स्वाफिन में भी है, कहां पर्सनल लॉज को एक जैसा बनाने की बात की गई है। अभी तो अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं, जिससे जेंडर इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म पर बहस छिड़ती रहती है। जो लोग यूसीसी को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी और सब नागरिकों को बराबर के हक मिलेंगे। इसे नेशनल यूनिटी की तरफ एक कदम भी माना जाता है, क्योंकि इससे धर्मों के बीच का फर्क कम होगा। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनको डर है कि इससे रिलीजियस फ्रीडम कमजोर होगा और माइनॉरिटी राइट्स पर असर पड़ेगा। वो इसे धार्मिक मामलों में सरकार की दखलअंदाजी समझते हैं। बढ़ती हुई बहस और पॉलिटिकल टेंशन के साथ यूसीसी एक गर्मागर्म टॉपिक बन गया है। ये एक पेचीदा मसला है जो इंडिया की डायवर्सिटी और ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निटी के बीच के बैलेंस को दिखाता है।